श्री श्री 1008 बड़ा गांव गेट चौकी हनुमान मंदिर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रपाल यादव रहे। दीप ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। चौकी महाराज और मोनु बाबा ने आभार व्यक्त किया। सर, आज जन्माष्टमी के मौके पर क्या कर रहे हैं? आज जन्माष्टमी के महापर्व पर कि जो तूफानों में हनुमान किनारे पर पहुंचा दे, मंदिर जो तूफानों में आदरणीय पहुंचा दे के द्वारा ऐसी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गले से लगाकर सभी लोगों को बधाई देता हूं। ऐसी जादू की छतरियां नहीं मिलती पूज्य हनुमान जी के लिए जूझने वाले इस जहां में एक लोगों को हजारों मिल जाएंगे, दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाले मिलकर हर्षोल्लास के साथ मनाए और तमाम प्रकार के जाति धर्म से ऊपर उठ करके सब लोगों को एकजुट करके और देश को मजबूत बनने में अपना सहयोग। क्या नाम है? पंडित कायचरण जावड़िया। आज क्या प्रोग्राम है? क्या है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परम भक्ति हनुमान जी के दरबार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जो हर वर्ष होता है भी है, जिसमें हमारे झांसी के गवर्नर सदन विधायक रवि शर्मा जी, आदरणीय प्रदीप जैन जी, आदरणीय अरविंद बसेल राहुल आचार्य एवं सदस्य बड़े सभी गणमान्य व्यक्ति आते हैं और हर वर्ष की तरह इस पर भी भगवान श्री कृष्ण भगवान के रात्रि में 11-12 बजे जन्म उत्सव होगा। कल हर वर्ष की रात्रि 20वां भव्य प्रसाद भंडारा जो सायंकाल 7 बजे से प्रभु की इच्छा तक होगा। मैं सभी नगर में इस पावन दिन पर सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो भी मंच पर आ जाएं। मेरा अनुरोध है रॉकी महाराज जी से, उन्होंने एक ब्रेसलेट बनवाया है, बड़ी अच्छा ब्रेसलेट बनवाया है जिसमें नेताजी का चित्र है, हाथ पे भी है। तो लेकिन हमने भी आपसे कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, नेता अच्छा हो तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए कार्यकर्ता तैयार हो, लेकिन नेता में लीडरशिप होना चाहिए। हमारे बीच में नेताजी ऐसे रहते हैं। कार्यक्रम समाप्त हुआ। मेरा अनुरोध है डॉक्टर साहब से कि दो शब्द अपनी वाणी से हम लोगों को दें।